महर्षि कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था द्वारा संचालित कमिंस अभियांत्रिकी महिला महाविद्यालय द्वारा छात्राओं को अभियांत्रिकी शिक्षा के आंतरिक ज्ञान में बढ़ोतरी करने की दृष्टि से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ऐसी श्रृंखला में इंस्टीट्यूशनल इनोवेशन काउंसिल यानी IIC द्वारा इम्पैक्ट लेक्चर का आयोजन किया गया था। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम का आयोजन शिक्षा मंत्रालय इनोवेशन सेल एवं AICTE के संयुक्त प्रायोजन से किया गया था, जहाँ दो सत्रों में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम के प्रथम चरण में ब्लूबेरी सेमीकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक एवं CEO नितिन नाइक द्वारा उद्बोधन किया गया, जहाँ उन्होंने इंजीनियर के रूप में नई तकनीकों के प्रति जागरूक एवं अपडेट रहने की बात की, जहाँ उन्होंने AI ML IoT डेटा शास्त्र आदि के विषय में भी जागरूक रहने की बात कही। तो वही द्वितीय सत्र में VNIT नागपुर के संचालक डॉक्टर प्रमोद पडोले बायोकेमिकल क्षेत्र की गहराई एवं अवसरों के विषय में जानकारी दी। इन दोनों सत्रों में मौजूद सभी छात्रों ने बड़े ही तन्मयता से सवाल पूछे। इस समय LMC सदस्य हेमंत अंबाशिलकर ने धन्यवाद एवं सक्षम व्यवस्था के विषय में अभिनंदन ज्ञापित किया। इस समय लगभग 250 छात्राओं ने इस चर्चा सत्र में सहभाग लिया, जहां ब्लूबेरी सेमीकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड साथ ही कमिंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इनके समक्ष सामंजस्य संधि भी की गई। इस समय विशेष रूप से ब्लूबेरी सेमीकंडक्टर के अजय सक्देव, CCOEW के प्राचार्य डॉक्टर मिलिंद खानापुरकर, मैकेनिक विभाग के प्रमुख डॉक्टर महेश शुक्ला, प्राध्यापक आदित्य कवड़स्कर एवं सभी शिक्षक उपस्थित थे। जो कार्यक्रम का नाम समन्वय प्राध्यापक हर्षवर्धन खारपोटे ने किया। ज्ञात हो कि महर्षि कर्वे से शिक्षण संस्था द्वारा साल भर शिक्षा के साथ साथ अनेक ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसके माध्यम से छात्राओं का विकास एवं उत्थान सरल एवं सफल हो, जो काफी सराहनीय कदम है। NBC न्यूज के लिए मनीष टिमरी की रिपोर्ट।